वार्ड नंबर 3 गायब बा, वार्ड नंबर 4 जौन हमारा अपन वार्ड, वार्ड नंबर 4 का मानी हमारा खुद नल जल के पानी लेके 6 घर के, फिर संपूर्ण कैसे मानल जाए, संपूर्ण कैसे मानल जाए। वार्ड नंबर 5 वो संपूर्ण लेके रोवा जाए, क्वालिटी कंट्रोल अगर जांच कर दे तो मुखिया जी जो यहाँ जेल, वार्ड सदस्य जो ये जेल, ऐसे के मुखिया एगो अध्यक्ष होला, निगरानी टीम के अध्यक्ष बा, ओकरे निगरानी में सारा काम करे के बा। रोवा पीसीसी देखी जहाँ जहाँ करैले बनेलु, पीसीसी पर रोवा पूछनी हो तो पीसीसी जहाँ करैले बने ओ जी के लोग से पूछी, रोज बहारे ला लोग ओमे से एक छैटी बालू सीमेंट निकलेला, आ जहाँ करैले बने रोवा चली हमारे साथे उठ के एक लात मारे में तो पहुँच जाए। दिन से कहाँ ना बनत रहे, हिंद केसरी हो तो कौन केसरी हो, लोग कहते रहे जमीन के तो जब बस स्टैंड खातिर अलॉट हो गए रहे, एकर काम का एकर मामला बात, बस स्टैंड खातिर नहीं लौट ना रहे हॉस्पिटल, बस स्टैंड जोन जामो के चलेला वो माझी टूपर अवली पथ पर चलेला, एक सर्टिफिकेट बा। ये मुखिया जोन बारे राजेश जी, इनकर चाचा जी बारे शंभू सिंह, वो एक नंबर के पूरे हिंदुस्तान के फर्जी व्यक्ति हमन, वो कहले कि हॉस्पिटल के लड़ाई लड़े नहीं, वो हॉस्पिटल के लड़ाई ना लड़े ले, वो अपना पटदारी के लड़ाई लड़े ले, आ हॉस्पिटल के स्टैंड के लड़ाई लड़े ले कि स्टैंड हॉस्पिटल में बा ना। रोबा सर्टिफिकेट उठा के देखी, रोबा जाके पूछ ली जा टेंडर होला, इच्छा शक्ति मुखिया जी के अभाव में मुखिया जी स्वीकार करता रहे रोबा चैनल पर कि हम ना बनई नहीं, चुनाव आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता में कहीं देखले बनी रोबा पैसा आ गए एक साल पहले चुनाव आचार संहिता आज नु लागल बा, विकास करे के मुद्दा बता रहा, और विपक्ष विरोधी कहाँ रोकत है रोबा के, रोबा ताकत होके तो आज बनवाई हम ना रोके, जामो पंचायत के विकास होके के चाहिए, चुनाव आयोग का करी हम कंप्लेन करम तब न करी, हम कंप्लेन ना करम आज उनका लगे होके ताकत बनवा बस। 32 गो आवास जौन मिलल हुई नु उ कागज में देले हो बिल्डिंग वाला के दुताला मकान के देले पड़े, एक ताला के लेकर दल ऐसे कि अभी हमारा निगरानी में 28 गो चिमकी तान के सूते वाला लोग बा, चिमकी तान के 28 गो परिवार, तो लेके विश्वास तो चलिए हमारे साथ देखा देता है जामो पंचायत में रवा हमारे जामो पोखरे पर 4-5 गो बा, चिमकी तान के सोने वाला मीना बाजार के ऊपर का मीना बाजार तो राजेश जी खा गए, लेकिन हम मुखिया हो गए तो वादा करता नहीं मीना बाजार सजाए, मीना बाजार सजी फिर सजी मीना बाजार से जाके रखा हम मंदिर परिसर पर बैठक कहनी, तत्काल बैठक कहनी, आ तत्काल सीओ से मिलने, आ कहनी कि सीओ साहब रोबा अनुशंसा करता नहीं, रोबा कह देनी कि ये जी ना बनी तो ये चीज के हम रोबा के देखा के रहे कि जामो से थाना हटे ना दे, अगर जामो से थाना हटी तो हमारा सीना पर हटी, हम सीओ के चैम्बर में बोल के कह दिल बने, एक प्रमाण बने सीओ साहब पंचायत भवन पर कबू बैठी ना, वो पेट्रोल पंप बैठियन पंप चलाई हैं, और उसके बाद चल जाइए घर है, 6 बजे के बाद दर्शन ना हुई, मुखिया का काम 11 बजे रात का जरूरत बा, अगर चौवर में तो जनता खातिर हम चौवर में भी जाए, बिल्कुल 11 बजे रातों के जाए, बिल्कुल। गोरिया कोठी ब्लॉक से 5 गो मुखिया के नाम नामित करे के रहे कि ODF 5 गो पंचायत करे के बा, ओमे जामो में ये लोग रुपया दे के ODF करा देवल, BDO के रुपया दे के आ ODF करावल लोग, ये हमारो नाम रोशन हो जाए, हमरा बाद में मालूम चलल कि साल कौची कोड़ावल जाता है, लोग कहते रहे ईमानदारी के साल मुखिया जी के मिलल कि ईमानदार मुखिया में ये गिनल जाता रहे, तो पता कोई नहीं तो हम सुनता नहीं कि अल तो ODF पंचायत बा 80 घर में लैटिन लैके 5 साल में पुख्ता प्रमाण बा, लेकिन मैं कहले बने कि 20 गो में 1-2 गो कम हो सकेला, लेकिन लागल बा वो तो जाला लोग चिमनी पर, कुछ लोग काम करेला, कुछ लोग पेट्रोल भरवावे जाला, रजिस्टर रखले रहले अपना लगवा पंपो पर, दस्तखत करा ले वाले ग्राम सभा हो गए पंपे पर रोज वो तो स्वीकार कर ले बड़े कि हम पंपे पर बैठे नहीं, कार्यालय चलावे हम वादा कर ले बने कि खेत में अगर पोल हो पर हम वेपर लग रहा है, आ ई जौन वेपर लगैले बड़े न मुखिया जी 850 के वेपर बा, आ 200 रुपया फिटिंग 1,500, खूब भल तो 1,100, आ 3,000 बिल भजैले बैठी यहाँ के 3,000 बिल भजल एक्चुअल 1,150 कोस्ट 1,250 मानी, तनी मनी पंप पर पानी चढ़त रहे तो नहर कटवा दल, आ पूरा गेहुआ डूबता तो वो जी खाड़ साफ लेके
गेहुआ के खार साफ हो जाए आ एगो साइफन लाग जाए निकल जाए पूरा गेहुआ हमार सुरक्षित हो जाए ई लैके लौकत लेकिन पंप पर पानी चढ़ल तो नहर कटा गई। नमस्कार हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखतनी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बैठल बनी सिवान जिला के गोरिया कोटी प्रखंड के जामो बाजार पर और जामो पंचायत बा हमरा बाया बगल बैठल बानी जामो पंचायत के मुखिया प्रत्याशी बानी यहाँ के नॉमिनेशन हो चुकल बा सिंबल मिल चुकल बा 15 तारीख के गोरिया कोटी प्रखंड में मतदान हुई पंचायत चुनाव के लेके मनोज कुमार गुप्ता जी हमरा बाएं साइड में बानी 15 तारीख के चुनाव हुई का यहाँ के सोचा तनी अपना पंचायत के बारे में हालांकि 1 से 2 दिन पहले जी के निवर्तमान मुखिया के भी इंटरव्यू लिहल गई बा अब यहाँ के बानी तमाम बातचीत हुई। मनोज जी सबसे पहले और स्वागत बा हमारे चैनल में। रउआ हमरा लगे इनी छठ पूजा बीतल बा छठ पूजा के अवसर पर सारे सम्मानित जनता के तरफ से रउआ के भी बधाई जनता अपने पंचायत के जनता के भी बधाई। बिल्कुल मनोज जी बार बार जामो पंचायत के लड़ाई में रहा रही ले पंचायत चुनाव में पिछला बार भी रउआ रहनी लेकिन जनता के आशीर्वाद ना मिल पाओल का वजह रहल हुई वजह का रहल हुई थोड़ा सा मिसगाइड लोग हो गए लेकिन चुनाव हमें हमारा साथे धोखाधड़ी भइल हमारा साथे चुनाव में लेकिन हम जनता के सेवा करत रहने चुनाव हार के हम सुतनी ना हम चुनाव के जनता के सेवा में लागल रहने कोनो भी काम भइल कबो भइल 1 बजे रात के भइल चाहे 1 बजे दिन में भइल आदमी गए वो जनता की सेवा कैले के भावना से जनता खुद कहले बिया कि मनोज भाई रोवा आई रोवे जैसन आदमी के जरूरत बा। बिल्कुल रोवे जैसन आदमी के जरूरत बा जनता के डिमांड पर फिर से चुनाव के मैदान में बानी। मनोज जी हमार सवाल ई बा कि मनोज जी के का रोड मैप बा जामो पंचायत के विकास खातिर कैसे विकास कराए मनोज जी और अब तक जामो पंचायत के विकास काहे ना हो पाओल इहो रउआ बतावे के पड़ी। जामो पंचायत के विकास लेके बल नेतृत्व विहीनता के कारण इच्छा शक्ति ना रहला के कारण ऐसा आदमी प्रतिनिधि हो गए कि ओकरा लगे इच्छा शक्ति होइले लै हमार रोड मैप खुलम बा खुलम खुल्ला बा शिक्षा के क्षेत्र में जाए हमार लड़का हम खुद बोरा पर बैठल बानी लोअर स्कूल में मिडिल स्कूल में बोरा पर बैठल बानी हमार इच्छा बा कि हमार अगला पीढ़ी बोरा पर ना बैठे हम जब मुखिया हो गए तब प्राथमिक विद्यालय से लेके अगर उच्च विद्यालय में भी अगर टेबल कुर्सी के कमी हुई तो वो व्यवस्था देव पहली प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करें ओकरा बाद रउआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जामो पंचायत रउआ 4 प्रखंड के प्रभावित करेला। बिल्कुल बरौली प्रखंड प्रभावित करला अपन गोरिया कोटी प्रखंड प्रभावित करला बरहरिया प्रखंड प्रभावित करला लकड़ी नबीगंज प्रखंड प्रभावित करला आ 4 प्रखंड 2 लाख जनसंख्या के प्रभावित करला आ एजी एगो MBBS डॉक्टर हॉस्पिटल में लेके एकर लड़ाई लड़तनी कि MBBS डॉक्टर हमरा एडिशनल PSC के अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बा अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मत रहो जहाँ 50,000 जनसंख्या बा वो जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बा रेफरल हॉस्पिटल बा लेकिन जहाँ 2 लाख जनसंख्या प्रभावित होता वो जी कुछ लेके एगो तो नर्स ना रहे हमारे विधायक भइनी तो विधायक के कहला से एगो नर्स एगो आयुष डॉक्टर रजिया सुल्तान पोस्टेड बाड़ी लेकिन मुखिया होके तो हम MBBS डॉक्टर अपना मंत्री महोदय से कह के जरूर लिया के पद स्थापित कराए। डॉक्टर के लिए आवे वाला जौन लड़ाई बा जी अभी तक कहाँ पर जाके खड़ा बा अभी तक बहाली भइल हो ओमे से कुछ डॉक्टर गोरिया कोठी में आई ललो ओमे से 2 गो डॉक्टर कहले रहले सुबोध जी प्रभारी जी कि हम 2 गो जामो के डॉक्टर मनोज जी देम रोबा के लेकिन वो लोग देहल हो लेकिन वो PG करे खातिर पढ़ाई में चल गए ललो PG करे खातिर लेकिन उसे हम संतुष्ट लेके हमरा परमानेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए ताकि 12 बजे रात के भी हमरा पंचायत क्षेत्रवासी के कोनो तबियत खराब होके तो हॉस्पिटल में जाओ तो ओकर इलाज हो सके। बिल्कुल मनोज जी शिक्षा और स्वास्थ्य हो गए रोजगार के ऊपर और का प्लान चलता बिहार सरकार के रोजगार के प्लान इतना बा कि नेतृत्व विहीनता के चलते जामो पंचायत में 1 गो लघु उद्योग ना लागे। बिल्कुल हमरा लगे 10 गो लघु उद्योग बा जब मुखिया बने
तो 10 गुना 20 गो लघु उद्योग हर टोला पर लगवा दे। हर टोला पर लघु उद्योग लगवा के ओमे 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी काम करी, जौना से आय के स्रोत बढ़ी, हमारे गांव के गरीब गुरबा लोग मजदूर वर्ग के लोग जे कमाई अच्छा से रही, अच्छा से परिवार के भरण पोषण करी, जीविकोपार्जन के साधन करी। मनोज जी को बढ़न सवाल रुआ से पूछे मैम, रुआ रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य पर सोचले बानी, ये एडिशनल चीज बा अपना पंचायत खातिर, लेकिन जौन सुविधा सरकार के तरफ से आवता, नल जल हो गई, केटल सेट हो गई जैसे पशु सेट हमने कहा जला, डस्टबिन हो गई, सड़क के पैसा हो गई, PCC के काम हो गई, ये तो धरातल पर उतरते नहीं खे। और हम जाने के चाहता नहीं मनोज कुमार गुप्ता से, पूरा जामो पंचायत के जाने के जनता जाने के चाहता मनोज कुमार गुप्ता से, आखिर का वजह बाकी सरकार के तरफ से आवे वाला राशि, सरकार के तरफ से आवे वाला योजना धरातल पर नहीं खे उतरत, मनोज जी बताओ के पड़ी पंचायत के जनता, आखिर वजह का बार रोड़ा नजर से का वजह हो सकेला। हमारा वजह से एकदम सारा सर भ्रष्टाचार से लिप्त पंचायत बा। नल जल योजना वार्ड नंबर 1 से 14 तक गिना देते हैं, नल जल योजना के रूप बा कि हर घर नल जल, बिल्कुल हर के नल के जल के नल के पानी मिले के चाहिए। कोनो वार्ड में अगर 5 गो घर के नल जल लैके मिलत तो संपूर्ण नहीं खे, तो वार्ड नंबर 1 पैसा उठ गई काम लेके बैल कोनो नल में पानी लेके, वार्ड नंबर 2 समाप्त बा, रुपया उठल बा, काम गायब बा, कमीशन जहाँ जहाँ जाए के बा उ लोग ले ले बा, वार्ड नंबर 3 गायब बा, वार्ड नंबर 4 जौन हमारा अपन वार्ड हो, वार्ड नंबर 4 का मानी हमारा खुद नल जल के पानी लेके 6 घर के, फिर संपूर्ण कैसे मानल जाए, संपूर्ण कैसे मानल जाए। वार्ड नंबर 5 वो संपूर्ण लेके रोबा जाए, क्वालिटी कंट्रोल अगर जांच कर दे तो मुखिया जी जो यहाँ जेल, वार्ड सदस्य जो यहाँ जेल, ऐसे कि मुखिया एगो अध्यक्ष होला, निगरानी टीम के अध्यक्ष बा, ओकरे निगरानी में सारा काम करे के बा कि 3 फीट नीचे पाइप लगावे के बा 1 फीट पकाए लगल, काहे ना मुखिया जी रोकले कि 1 फीट पकाए लेकर लगावत, 3 फीट नीचे गोईरा पाइप दो तो वो पाइप ना खराब हुई। रोबा PCC देखी जहाँ जहाँ करैले बने लूँ, PCC पर रोबा पूछनी हो तो PCC जहाँ करैले बने ओ जी के लोग से पूछी, रोज बाहर ला लोग ओमे से 1 छैटी बालू सीमेंट निकलेला, आ जहाँ करैले बने रोबा चली हमारे साथे उठ के 1 लात बारे में तो फंस जाए। हम जान के वो लोग से ना कहनी कि काम रोक दिए मुखिया जी, कहिए मनोज जी रोकवा दिले हैं, मुखिया अध्यक्ष ना है, मुखिया पंचायत का अध्यक्ष है, उसके पास इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं, कमी है उसके पास, बिल्कुल हम आगे बढ़ाता नहीं। रुआ तो मुखिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाता नहीं निवर्तमान मुखिया के ऊपर, हम आगे सवाल रुआ से पूछे कि एगो निजी चैनल के इंटरव्यू में मनोज कुमार गुप्ता जी कहले बानी, मतलब कि रुआ कहले बानी कि हम अपना तरफ से हॉस्पिटल बनवले बानी, मंदिर के सौंदर्यीकरण करवले बानी, छठ घाट के निर्माण करवले बानी। जामो पंचायत के जनता ये जाने के चाहता कि बिना जितले कैसे हॉस्पिटल और मंदिर और छठ घाट के व्यवस्था निर्माण करवनी रहू। जग जाहिर बा, जग जाहिर बा कि हमार मंत्री भैले हमनी के बैचमैन मंत्री हो गए मंगल पांडे जी, तो वहाँ के जब मंत्री बनी तो कहनी कि पहलका कलम चलाएम तो जामो हॉस्पिटल खातिर चलाएम। मनोज भाई हमारे साथ हमार विधायक वगैरह ना रहले लेकिन दिवेश जी रहले, उनका सामने बात भई, आ जामो के हमारा साथे 5-7 आदमी भी रहे, जाना में बिच किशोर सिंह रहनी, उमेश जी, उमेश शाह जी बस स्टैंड के मालिक बाबू रहल हैं, 2-4 आदमी और ही रहे, 6-7 आदमी अपना गाड़ी से पटना गनी सन उनका के सम्मानित करे खातिर, तो सम्मानित करनी सन तो कहनी सन कि हमारे हॉस्पिटल, तो कहल कि हम देखो तानी मनोज भाई, हम हॉस्पिटल के कलम चलाएं पहलका जामुए खातिर, तो 1,22,00,000 रुपया चलैले कलम, तो कहले फोन करके कि मनोज भाई हम चला देनी कलम पहलका, आओ अशोका होटल में विधायकों जी तैयार रही हैं, आ उनका सामने हम घोषणा करें, तो हम अपना शिष्ट मंडल के साथे गईनी, अपना कमेटी के साथे गईनी, अशोका होटल सिवान गवा बा, आ अशोका होटल में वहाँ के अनाउंसमेंट कैनी, ओकर टेंडर बैल बनल,
जब उद्घाटन करे गईनी जन मंगल पांडे जी उद्घाटन करे गईनी तो उद्घाटन क के ओजी से उठ के आ डायरेक्ट हमरा दुकान पर जा रहुआ बैठल बनी नु एज युवा के आगे बैठल रहन मंत्री जी आ विधायको जी रहनी ओमे सांसद सिग्रवाल जी भी रहनी वर्तमान सांसद भी रहनी वहाँ के आ वहाँ के सामने कहनी कि मनोज भाई जितना पैसा देले बनी भवन बन जाई इतना पैसा आउट दे घबड़ मत सुंदर बनावे के बा ऐसे हम दावा के साथ कहे नहीं कि हम अपना मंत्री महोदय से विधायक जी के माध्यम से हमनी के सहपाठी मंत्री जी हो गए नहीं ये वजह से भवन का निर्माण भले इतना दिन से कहा ना बनत रहे हिंद केसरी हो तो कौन केसरी हो लोग कहत रहे जमीन के तो जब हम बस स्टैंड खातिर अलॉट हो गए एक काम का एक मामला बात बस स्टैंड खातिर नहीं अलॉट ना रहे हॉस्पिटल बस स्टैंड जन जामू के चलेला वो माझी टू बरौली पथ पर चलेला एक सर्टिफिकेट बा ये मुखिया जन बारे राजेश जी इनकर चाचा जी बारे शंभू सिंह वो एक नंबर के पूरे हिंदुस्तान के फर्जी व्यक्ति हमन वो कहले कि हॉस्पिटल के लड़ाई लड़े नहीं वो हॉस्पिटल के लड़ाई ना लड़े ले वो अपना पटदारी के लड़ाई लड़े ले आ हॉस्पिटल के स्टैंड के लड़ाई लड़े ले कि स्टैंड हॉस्पिटल में बा ना रोबा सर्टिफिकेट उठा के देखी रोबा जाके पूछ ली जा टेंडर होला कि का एक स्थिति बा तो टेंडर होला माझी टू बरौली पथ के नाम हो ए पर जौन बा यही पथ पर एक टेंडर होला लेकिन वहाँ का डॉक्यूमेंट दिखाओ तो नहीं कि हाई कोर्ट से डॉक्यूमेंट हमारा मिलल बा हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट रोबा देखे बढ़िया से पढ़े मुँह ये लिखल बा कि बस स्टैंड कहाँ रहे के चाहिए तो माझी टू बरौली पथ पर डी डी सी करे नी डी डी सी साहब आ डी एम साहब अनुशंसा तो डीएमए साहब कर रहे नहीं तो डीएम साहब कर रहे नहीं होकर हॉस्पिटल के लड़ाई हम लड़ल बनी बहुत लगे कि हिंदुस्तान के सबसे फर्जी व्यक्ति का नाम हो मुखिया जी के चाचा के और प्लस मुखिया जी तो बोल रहे बनी निष्क्रिय आदमी है हम एक बार कह देते कह दिए हमारे बैनर पर लिखल बा हमारा आइए हम सब मिलकर जामो पंचायत का विकास करें जामो पंचायत के विकास करे के रही तो डस्टबिन के पैसा एक साल से आयल बा ना लागल लेकिन वहाँ कहले बने आचार संहिता से 10 दिन पहले के आयल बा एक साल पहले आयल बा डस्टबिन के पैसा हई शेड नुमा शेड बनावे के पैसा आयल बा उ पैसा के शेड ना बनल इच्छा शक्ति के अभाव में बिल्कुल पशु शेड एक भी ना बनल जामो पंचायत में एक भी ना बनल हमार एगो गेहुआ गाँव बा एगो पोखरा पर गाँव बा ओमे यादव जी परिवार बहुत ज्यादा लोग ओमे जाए तो ए बेरा 200 भैंस गाय हो लोग जब बारिश होता तो लगातार 4 महीना 5 महीना बारिश होता ओमे पशु हमारे के तरी रहता आदमी के तरी रहता ये मुखिया के बुझाते लेके ओकरा बनवा देवे के चाहिए गोल्डन योजना रहा था पशु सेट के जोन योजना रहा नीतीश कुमार के स्वर्णिम योजना में एगो इो योजना रहा बिल्कुल पशु सेट पशु से हम सुरक्षित लेकिन लेकिन दुर्भाग्य लेकिन 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 मनोज जी रोके हमरा के दुर्भाग्य बा कि जामो पंचायत के केहू माई बहन केहू चाचा काका के नाम मिले लिखो को पशु से ना मिले भी पशु से इच्छा शक्ति मुखिया जी का अभाव में मुखिया जी स्वीकार करता रहे रोबा चैनल पर कि हम ना बनैनी चुनाव आचार संहिता में कहीं देखले बनी रोबा पैसा आ गए एक साल पहले चुनाव आचार संहिता आज नु लागल बा विकास करे के मुद्दा बता और विपक्ष विरोधी कहाँ रोकता रोबा के रोबा ताकत होके तो आज बनवाई हम ना रोके जामो पंचायत के विकास होके के चाहिए चुनाव आयोग का करी हम कंप्लेन करम तब न करी हम कंप्लेन ना करें आज उनका लगे होके ताकत बनवाओस अथी लगा देस डस्टबिन लगाओस हम ना कंप्लेन करें बैक डेट में लगा देस उनका लगा कंप्लेन कर दे तो हम वादा करता नहीं कि जामो पंचायत के विकास खातिर हमारे लगे केहू भी आदमी आई उतने स्वागत बा बिल्कुल पंचायत के विकास होके चाहिए देख सकते नहीं कि मनोज कुमार गुप्ता जी बनी बड़ा बेबाकी से अपन बात रखता नहीं कि पैसा आयल और एजी के निवर्तमान मुखिया राजेश कुमार सिंह जी एक्सेप्ट भी करता नहीं कि 10 दिन पहले हालांकि राजेश जी 10 दिन पहले के कहले बनी पैसा आयल बा यहाँ के 1 साल पहले कहता नहीं पैसा आयल बा लेकिन एक्सेप्टेंस बा निवर्तमान मुखिया के तरफ से कि पैसा आयल खाता में पड़ल बा समय ना मिलल डस्टबिन ना मंगा पैनी जामो पंचायत के एको आदमी के पशु सेट ना मिल पाओ जैसे कि मनोज जी बताओ तने कि गेहुआ जलालपुर में कुछ लोग बा जो 10-10 गो 5-5 गो भैंस पल्ले बा और वो लोग के रोजी रोटी के साधन वह बा मनोज जी और वो लोग का भी एको गो पशु सेट ना मिलल आगे हम चलते नहीं मनोज जी आगे हम चलते नहीं मनोज जी 5 साल में
निवर्तमान जनप्रतिनिधि के तरफ से मात्र 32 गो आवास दिहल गई बा। एक ऊपर हुआ का 32 गो आवास जन मिलल हो कागज में दिले हो बिल्डिंग वाला के दूताला मकान के दिले बड़ा एक ताला के लेकर दिले ऐसे कि अभी हमारा निगरानी में 28 गो चिमकी तान के सूते वाला लोग बा। चिमकी तान के 28 गो परिवार लेके विश्वास तो चलिए हमारे साथ देखा देता नहीं। जामो पंचायत में जामो पोखर पर 4-5 गो बा। चिमकी तान के सोने वाला अपना पंचायत के लोग पंचायत के लोग बा। हम धरातल पर बतिया होता ना देखी गंगा आता चले गेहुआ चले मठिया पर चले रोबा चली देखी कि चिमकी तान के लोग सूत था कि ना आ वो चिमकी तानला पर ला मिलल आ केकरा मिलल तो जेकरा छतदार बा ओकरा मिलल। जामो बाजार के मिडिल में एगो थाना बा जी उ थाना हमरा पता चलल बा सूचना मिलल बा कि उ थाना जात आवे हरिहरपुर चौरा में जी। दूसरका थाना के पीछे एगो बाजार लगत रहल मीना बाजार जी। ये दोनों खत्म होके वाला बा जी। हमरा बुझाता कि थाना के ना रहला से इतना जौन एगो सुंदर बाजार जामो बाजार दिखाई देला का मनोज जी असुरक्षित नहीं हो गई असुरक्षित नहीं होकर आगे आवे वाला समय में का मीना बाजार के बंद हो गईला से का समस्या उत्पन्न नहीं हो तो फिर अगर समस्या बा जामो थाना के चल गया से जामो बाजार असुरक्षित हो जाए तो मनोज जी अपन आवाज़ कहे ना उठौनी अब तक ये हम जाने के चाहते नहीं। देखें थाना भवन के जैसे ही हमारा अंचलाधिकारी महोदय से बात भई वहाँ के आई रहने निगरानी में जमीन तक है तो मुखिया राजेश जी भी साथे रहने हम रहनी अंचलाधिकारी महोदय जी रहनी थाना प्रभारी जी रहनी चारों आदमी देखनी सन तो जमीन ई जौन जामो जहाँ कम्युनिटी भवन में थाना चलेला ये हमने के पूरा पंचायत में 2-3 जगह जमीन रहे लेकिन राजेश जी ना दिले राजेश जी जाके देखा दिले वर्तमान चौवर हरिहरपुर के चौवर थाना है जी चल जाइ तो बाजार हो जाइए सुरक्षित। हम मंदिर परिसर पर बैठक कैनी तत्काल बैठक कैनी आ तत्काल सीओ से मिलने आ कहनी कि सीओ साहब रोबा अनुशंसा करता नहीं रोबा कह देनी कि ये जी ना बनी तो ये चीज़ के हम रोबा के देखा के रहे कि जामो से थाना हटे ना दे अगर जामो से थाना हटी तो हमारा सीना पर हटी हम सीओ के चैम्बर में बोल के होइन कह दिल बने एक प्रमाण बने सीओ साहब मीना बाजार के ऊपर का मीना बाजार तो राजेश जी खा गए लेकिन हम मुखिया हो गए तो वादा करते नहीं मीना बाजार सजाए मीना बाजार सजी फिर सजी मीना बाजार सजा के रख हम बीचे बीचे नाला फाड़ दिले तो हमार सब्जी व्यवसायी लोग कहाँ बैठी हमारा बाजार के लोग दूसरा बाजार पर जाता कोनो चीज खरीदे के रहता मीट मछली खरीदे के रहता तो माधोपुर दूसरा पंचायत में जाता इमिलिया मोड़ में जाए के पड़ता बरोगा पंचायत में न तो मझवलिया पंचायत में इतना बड़ा 2 लाख जनसंख्या प्रभावित करने वाला बाजार के मछली किने खातिर दूसरा पंचायत में जाए के पड़ता मीट किने खातिर दूसरा पंचायत में जाए के पड़ता। अगर मनोज कुमार गुप्ता जी जामो पंचायत से जीता तने तरह और उपस्थिति राउर कार्यालय पर रही कि रौरा पंचायत भवन पर बैठे पूरा जामो पंचायत की जनता जाने के चाहता मनोज जी। देखिए उ पेट्रोल पंप पर अपन पंप चलावे ले आ केहू जाला तो भेंट होला ना तो कहल कि पिछुआ एक आदमी बैठल बा जाके भेंट कर लो वह काम कह दिए ई कहल है बेचारू पंचायत भवन पर बैठी हैं उ चिन्हत अरे केहू के पंचायत के लोग के उ तो गैले पर कहल कहाँ घर रोवा लैके विश्वास तो जनता से जाके पूछी 100 जनता से पूछे तो 100 आदमी में 99 आदमी कही कि हाँ जी हम गैली तो हमारे के चिन्हबे ना कैल यो बात बा ये बात बा आ ओकर बाद देखी पहचान पत्र आधार कार्ड ले आयम नू तो रोबा के हम चीन है वो कहल है यो बात बा ये बात बा पंचायत भवन पर कबू बैठी हन ना पेट्रोल पंप बैठी हन पंप चलाई हैं आ ओकर बाद चल जाइए घर 6 बजे के बाद दर्शन ना हो मुखिया का काम बा 11 बजे रात को जरूरत बा अगर चौवर में तो जनता खातिर हम चौवर में भी जाए बिल्कुल बिल्कुल 11 बजे रातों के जाए बिल्कुल आ हमार जौन रोबा सवाल कोई नहीं हो कि पंचायत भवन पर बैठे तो पंचायत के मंदिर होला बिल्कुल पंचायत भवन पंचायत के मंदिर होला आ मुखिया वो मंदिर के पंडित होला बिल्कुल ओ जी बैठी ओ जी के लोग जाई तो हमार तो योजना तने के हम अकेले काहे के बैठे रही ओ जी तो वो अकेले बारे तो अकेले ना बैठे तो उनका साथे लोग कहाँ बा वो तो स्वीकार कैले बारे कि विकास हम लगी कैले रोवे चैनल पर तो कहते रहे कि हम विकास लगी कैले तो अब वो अकेले ही बारे 5 घर
पाँच आदमी को चिन्हले पंचायत में, बाकी छठा आदमी के चिन्ह ना करल। आ हम वादा कैले बन जनता के बीच कि हमार कार्यक्रम मुखिया बने तो टोला वाइज करें, कोनो योजना आई धरातल पर सामने रहे। लेकिन लेकिन राउर राउर मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस तो कुछ और बताओ था। हमार मुस्कुराहट हम बराबर मुस्कुरानी, हम जितने मुस्कुरानी हम चाहे नहीं कि पंचायत के हर एक जनता मुस्कुराओ, केहू ऐसा ना हो के जो दुख में रहो। हरजन बस्ती में सामुदायिक हॉस्पिटल बनावे कर लो शौचालय, ओकरा बाद हॉट बाजार में सामुदायिक शौचालय बनावे कर लो, चौक चौराहा पर बनावे कर लो। ये मुखिया जी ना बनैले ऐसे ना बनैले कि उनका लगे इच्छा शक्ति लगे पेट्रोल पंप से फुर्सत मिली तब तो न बनैये। लोग कहाँ बा उ संपन्न आदमी लोग बा, लोग कितना मजबूरी में बा उनका ऐसे लेकर मतलब। आ ODF जौन उनका बैनर पर लागल बा साल उड़ावत रहे DM साहेब, प्रभारी मंत्री रहे प्रमोद कुमार गुप्ता जी, मोतिहारी से विधायक जी रहनी लेकिन वहाँ के सिवान गोपालगंज के प्रभारी मंत्री रहनी। तो गोरिया कोठी ब्लॉक से पाँच गो मुखिया के नाम नामित करे के रहे कि ODF पाँच गो पंचायत करे के बा, ओमे जामो में ही लोग रुपया दे के ODF करा दल, BDO के रुपया दे के आ ODF करावल लोग कि हमरो नाम रोशन हो जाए। हमरा बाद में मालूम चलल कि साल कौची को उड़ावल जाता है। लोग कहते रहे ईमानदारी के साल मुखिया जी के मिलल कि ईमानदार मुखिया में ये गिनल जाता रहे, तो पता कोई नहीं तो हम सुनता नहीं कि अल ODF पंचायत बा 80 घर में लैट्रिन लैके, 20% लोग के यहाँ शौचालय बा, 80% घर के शौचालय आजो लैके। एक दिन का भइल कि हम जात रहनी 8 बजे रात के BDO पूर्व BDO साहब घूमत रहे नहर पर, महिला दौड़ता लोग, बूढ़ा बूढ़ी दौड़ता लोग, भागता लोग, पकड़ के कहता रहे कि तारालुंग के लैट्रिन काहे लेके तारालुंग काहे नहर पर करता लोग लैट्रिन, तारालुंग के लैट्रिन बन गई बा। लोग कहता कि कहाँ लैट्रिन बनल बा, पंचायत ODF हो गई, पंचायत ODF हो गई तो कहाँ लैट्रिन बनल बा चल के देख ली। अब BDO साहब ले जाके चल गए हम जाते रहने मान हानि के केस करे BDO साहब पर कि हमार पंचायत के महिला नहर पर शौच करे बैठल बड़ी, गाइड जरा के चलल बड़ो, लेडीज महिला के साथ भेजो, बिल्कुल महिला के साथ भेजी रुआ। आजो हम ऐलान करता नहीं कि जितना मुखिया प्रत्याशी लोग बा अगर विकास करे के मुद्दा बा तो वो लोग 1-1 लाख रुपया जमा करो, एगो विवाह भवन बन जाओ, चौ 13 आदमी बा तो 13 लाख रुपया हो एगो विवाह भवन बन जाए। आ विवाह भवन से सब लोग काम लगता के मिली 1-1 लाख, विकास करे के बा तो घोड़ा गाड़ी या डंका बजावे के पैसा बा, आ विवाह भवन बनावे के सामुदायिक विवाह भवन बनी ऊपर लिखा जाए कि मुखिया प्रत्याशी के सहयोग से, सभी प्रत्याशियों के सहयोग से अगर हो के इच्छा शक्ति तो आओ लोग मैदान में, हम जमा करता नहीं और लोग जमा करो। अब बन जाए पहले रौरा कदम आगे रखे हम रखे, सबसे पहले पूरे पंचायत में हम जनप्रतिनिधि लेखी लेकिन कोनो प्रतिनिधि के तौर पर हम जानी केहू के कोनो काम में जानी। मनोज जी आगे हम चलता नहीं, रुवा से ग्राम सभा के ऊपर बात हुई, रुवा ग्राम सभा के सदस्य बने बने कब से रुवा बने ग्राम सभा के सदस्य? जब से वोटर ID बनल मतदान देवे के जनबा अधिकार मिलल तब से ग्राम सभा के सदस्य हो गई थी। लेकिन ग्राम सभा में बैठल नहीं कबो 5 साल में ये मुखिया जी के समय में पहल का आम सभा कोई नहीं मके तो हमारा के कॉल रहने तो हम गई रहनी तो अपन कुछ बात कहनी जौन सब लोग के अच्छा लागल मुखिया जी के अच्छा ना लागल ओकरा बाद बोलबे ना कहले ना ग्राम सभा कहले फिर ओकरा बाद ना लागल ग्राम सभा एको गो ग्राम सभा लेके लागल 5 साल में पुख्ता प्रमाण बा। लेकिन मैं कहले बने कि 20 गो में 1-2 गो कम हो सकेला लेकिन लागल बा ओ तो जाला लोग चिमनी पर कुछ लोग काम करेला कुछ लोग पेट्रोल भरवावे जाला रजिस्टर रखले रहले अपना लगावा पंपवा पर दस्तखत करा लेवे ले ग्राम सभा हो गए पंपे पर रोज जी ओ तो स्वीकार कइले बारे कि हम पंपे पर बैठे नहीं कार्यालय चलावे तो उनका कार्यालय हुए बा का जमो पंचायत की 118 गो लाइट की आवश्यकता रहल 118 लाइट से का हो जाओ पंचायत में हर बिजली के पोल पर हमरा भेपर लगवावे के बा हम वादा कैले बानी कि खेत में अगर पोल होई नु ओ पर हम भेपर लगवाए आ ई जोन भेपर लगैले बाड़े नु मुखिया जी 850 के भेपर बा आ 200 रुपया फिटिंग 1500 खूब भइल त 1100 आ 3000 बिल भजैले बाटे यहाँ के 3000 बिल भजैले 3000 बिल भजल एक्चुअल 1150 से कॉस्ट 1200 मानी
1250 सामान लेकिन लेकिन 3000 बिल भजैले बानी हमरा से ना होई। हम हर एक पोल पर बिजली के पेपर लगाए आई पेपर ना बढ़िया पेपर लगाए ताकि लोग देखी तो कही कि हाँ ई पेपर आ पेपर में कितना अथी। बिल्कुल अगला हम सवाल रवा से पूछेम कि राउर क्षेत्र बाढ़ से कोरोना से ग्रसित रहा वो क्षेत्र में रहू अपना जनता के बीच के मदद पहले बने। देखिए मदद तो हम अपना जनता से पूरे सहयोगी से फोन पर कहले बनी कि जेकरा भी कोनो जरूरत होई हमरा से कही हम धीरे से देम केहू जानी ना वो आदमी जानी हम जाने ऐसे कि शर्म लगेला। बहुत लोग के बहुत चीज़ लेके बहुत लोग तो चावल बना के खाली खिचड़ी खैले बा सब्जी लेके बहुत लोग लगे आटे बा तो रोटिए पका के खा ले बा नीमक मरचा से। लेकिन वो काल में भी ये मुखिया जी इतना भ्रष्टाचार कैले सैनिटाइजर घोटाला तो मास्क घोटाला तो डिटॉल साबुन घोटाला बाढ़ में हम जनता के बीच गईनी पूरा जामो पंचायत बाढ़ से लबा लब रहे बाढ़ तो रबे कल बारिश ऊपर से रहे हर घर में पानी डूबे रहे कौनो रास्ता बाकी ना रहे रास्ता बाधित हो गए रहे रोबो गए लोग तो रोबा जाए के रास्ता ना मिलल हुई कौनो दूसरा रास्ता से गए लोग। लेकिन ए जी पैसा ना वितरण भइल बगल के पंचायत में 1,33,00,000 रुपया के वितरण भइल बा बरोगा पंचायत में 1,33,00,000 रुपया के वितरण भइल जामो पंचायत में सीओ साहेब सूची मांगत रहने कि सूची दी मुखिया जी तो यहाँ के सूची ना देने देम सूची तब न पैसा होत रहे पटना से बिहार सरकार से पैसा ट्रेजरी में आवे जिला में आ ए जी से सूची के दाम पर अकाउंट नंबर जाओ तो ट्रेजरी से पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर अकाउंट में ट्रांसफर होके आ मालिक रहें अंचलाधिकारी अंचलाधिकारी सूची भेजस। हम कई बार अंचलाधिकारी से हमारे लगे वो रिकॉर्डिंग बा मोबाइल में कि कहले बानी लड़ल बानी लड़ला पर एगो कैंटीन खोल लन नहीं जी भोजन खा सामुदायिक किचन खोल लन उ सामुदायिक किचन से का हुई लोग के लगे रुपया रही तो सब्जी किन के तनी इच्छा के अनुसार खाई जौन मन करी तौन खाई। लेकिन वो पैसा ए जामो पंचायत के नाम मिलल तो गिनल चुनल वो अपन आदमी जौन पाँच गो रहेला ओकरे मिलल बाकी लोग के ना मिलल आ 9-10 तो वार्ड डूबल रहे रोबा 13-14 डूबल रहे मतलब सब डूबल रहे 5-4 सब एक किलो धान गेहूँ ना भय आजो के स्थिति बा कि बारिश के पानी से लबालब बा कहीं कुछ लैके भय लेकिन दहाल का पैसा जौन मिलता वो ना मिलल अभी तक कौनो चीज ना मिलल। सरकार के जौन धरातल पर योजना आवे के चाहे वो आवत लैके ऐसे उनका योजना से का फायदा बा तनी मनी पंप पर पानी चढ़त रहे तो नहर कटवा दल आ पूरा गेहुआ डूबता तो वो जी खाड़ साफ लैके हो गेहुआ के खाड़ साफ हो जाई आ एगो साइफन लग जाई तो पूरा गेहुआ हमार सुरक्षित हो जाई ई लैके लौकत लेकिन पंप पर पानी चढ़ल तो नहर कटा गल। हमार वादा बा के कहले बानी कि हम मुखिया होके खाड़ो साफ कराएं आ वो जी साइफन भी लगाएं आ गेहुआ गांव के सुरक्षित करें। जाते जाते जामो पंचायत के जनता से का निहोरा का निवेदन करें अब 3 दिन बचल बा मनोज जी जनता से का निहोरा करें हाथ जोड़ के जन बोले के चाहते कैमरा में देख के जनता से कह सक। हम तो निहोरा करता रही जामो पंचायत के क्षेत्रवासी लोग से जनता से कि हमरा के पूर्ण बहुमत से जिताई पूर्ण बहुमत से जिताई या जौन हम वादा करता रही जौन हम काम कहते हैं जौन सोच बा हमार जामो पंचायत के विकास के सोच बा हर एक मुद्दा पर सोच बा वो पर खड़ा उतरे ये खातिर निहोरा बा जनता से कि हमरे के 15 तारीख के EVM पर ब्रश छाप पर बटन दबावे के बा आ भारी से भारी मत से हमरे के विजय बनावे के बा। क्रम संख्या बता क्रम संख्या हमार 7 पर बा आ ब्रश छाप बा मनोज कुमार लिखल हुई ब्रश के निशान हुई वही जी नीला बटन दबावे के बा आ इतना बटन दबावे के बा कि सामने वाला प्रत्याशी सोचे पर मजबूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी अपन समय देहनी और बहुत लोग जी बैठल बैठे वीडियोग्राफी भी हम कहले बनी अलग से वो वीडियोग्राफी भी इंटरव्यू में डालें ताकि बहुत लोग समाज के जामो पंचायत के सम्मानित लोग बा सामाजिक लोग बा जैसे बैठल बा मनोज जी के आसपास में सब हम वीडियोग्राफी कहले बनी डालें। लगातार हम बनल बनी लगातार प्रयास बा कि जनता के आवाज़ जनप्रतिनिधि तक पहुँचावल जाओ और जनप्रतिनिधि के बात जनता तक पहुँचावल जाओ।